लज्जो खाऊं थे दारूबाज कपूत, आज मैं उसकी हड्डी पर्ची तोड़ दूंगा। उसने हमारे घर का नाश कर दिया। अरे के बात होगी लाला जी, कैसे गुस्सा कर रहे हो मेरे बेटे पे? क्या कर दिया उसने? फालतू की बकवास तो कर मत ना। उस बेवड़े को मेरे सामने लेकर आज इस घर का फैसला होकर रहेगा, उसको बेदखल करूंगा इस घर से आज। देवना है घर में, वो तो सुबह ही चला गया, अभी तक तो आया नहीं है। तेरे बेवड़े पूत ने पूरे गांव में मेरे नाम पर थू थू करवा रखी है। इसने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। भगवान न जाने कौन से पाप की सजा दी है हमें, जैसी बेवड़ी औलाद मिली हमें। अजी लाला जी, वो पैदाइशी दारूबाज ना था, गलत संगत में पड़ के बिगड़ गया, समझ जाएगा, एक दिन सुधर जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। तुम गुस्सा मत करो। इस गलतफहमी को मन से निकाल दे लज्जो, तेरा देव अब सुधरने वाला नहीं है। पता उस रात क्या हरकत करी है? ऐसी क्या हरकत कर दी आज उसने जो इतना नाराज हो रहे हो? उस निकम मैंने फजलू दूध दिया सर, मेरे नाम पे 1000 रुपया कर्जा उठा लिया। आज मिला था फजलू मुझे बाजार में, उसने मुझे बताई, इस मारे मुझे गुस्सा आ रहा। हे भगवान, इस छोरे का मैं क्या करूं? उसे झूठ बोल के कर्जा लेने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर उसे पैसे की जरूरत थी तो तुमसे कह देता। मेरे से कैसे मांग लेता? उसे कौन सा सामान खरीद के लाना था? उसके हाथ में खुजली हो रही होगी ना जुआ खेलने के लिए, या दारू पीने की ढगड़ टूटी होगी। मुझे पक्का विश्वास है उस टाइम कहीं ना कहीं या तो जुआ खेल रहा होगा या दारू पी रहा होगा। भगवान मुझे कैसे कैसे खेल दिखावे लज्जो। उसने हमें दो दो बेटे दिए, बड़े वाला तो नालायक निकलेगा, मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है, और छोटे वाला प्रेम, वो हमारा खरा सोना है। मुझे उम्मीद है और पूरा यकीन है एक दिन पढ़ लिख कर वो कलेक्टर बनेगा और हमारी गरीबी को वही दूर करेगा। तुम ठीक कह रहे जी, मेरी भी आत्मा गवाही दे रही है कि हमारा प्रेम एक दिन कलेक्टर जरूर बनेगा। पता नहीं इस वक्त कहाँ होगा, वो हॉस्टल में होगा या कॉलेज में होगा। अरे वो उड़क चुल्लू, यू किताब सिर पे धर के के सांग कर रहा तू? प्रेम भाई, मैं से सिर पे धर के सांग न कर रहा, जितना भी ज्ञान इस किताब में लिख रहा ना उसे डायरेक्ट अपने दिमाग में कॉपी कर रहा। अरे मूर्ख, यू कौन सा तरीका ढूंढ के लाया तू ज्ञान हासिल करने का? भेड़ के फुप्पा, ज्ञान हासिल स्टडी करने से आवे, ना कि किताब सिर पे धरने से। ओ पढ़ाकू पपैये, ज्यादा पै पै ना करे। स्टडी करने का ये चाइनीज स्टाइल है जो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मन्नू के पास है। बेटे जो तू इसी स्टाइल से पढ़ाई करता रहा, फिर तो तू बन लिया कलेक्टर, फिर तो तू हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर बन सके, वो भी कच्चों में। तू तो मेरे टैलेंट तक किल्स है, क्यों तू भी बागपत का, मैं भी बागपत का, तू मेरा दोस्त नहीं मेरा दुश्मन है। जा, मैं तेरी गैल नहीं बोलने का, तेरी मेरी कुटक टूट गई। अरे मेरे यार, तू आदमी है पिटीकोट जो अपने यार की मजाक का बुरा मान गया? चल भाई, तुझे मेरी मजाक बुरी लगी तो मैं अपने शब्द उल्टे ले लेता हूँ। पिंकी, अरे मेरी जान, मेरी पिंकी, तू गत इस मन्नू को अपना लवर बनावेगी? अरे मेरी जान, मेरी जाने मन, तेरी खतर तो मन होर लड़की की डबकू है उठा कर देखा भी नहीं। अरे यार पूजा, तू आड़े खड़ी से और मैं तुझे सारे कॉलेज में ढूंढ आई। क्यों, कोई खास बात है जो तू मुझे पूरे कॉलेज में ढूंढ आई? पता नहीं क्या डंगा ले रही थैली में। अरे नामरत बुट्टी ले रही, कोल्ड ड्रिंक है। अरे यार, मैं तो फ्रूटी लेकर आई थी, मैं एक पूजा पी लेगी, एक मैं पी लूंगी। अरे यार फ्रूटी या तो मेरी फेवरेट है, और इसने देखते तो मेरे मुंह में पानी आ जाए। अरे प्रेम, तू यहीं रुक, मैं भी आ लिया। अरे मेरे ससुरे कहाँ जावे? अरे जो ये है ना पेली टी शर्ट पहन रही पिंकी, यह मजा घनी प्यारी लगे, इसे देख के मेरे दिल में झुनझुना बजे, मैं इसे आलिया भी बोल का आ लिया। अरे मेरे ससुरे, मैं नू कह रहा हूँ आज के चक्कर में मत पड़े, कहीं ऐसा ना हो तेरे मुंह का नक्शा बदल जा। अरे तू तो मेरे सारे कामों तक किल से है, क्यों तू भी बागपत का और मैं भी बागपत का,
ले मेरी किताब पकड़, मैं ब्याह लिया पिंकी को आले भी बोल के। अरे मेरी प्यारी पिंकी, केली केली सूट रही फ्रूटी, या फ्रूटी तो मुझे भी बहुत पसंद है, इसे देख के तो मेरे मुंह में भी पानी आ जा। पहले मैं थोड़ी सी फ्रूटी पीमा, फिर तुझे अपने दिल की बात बताऊंगा। क्या की बदतमीजी से, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ में से फ्रूटी छीनने की? ये सारे छोरे ना इतने छिछोरे हुए हैं, अक अपने छिछोरे पनते बाज नहीं आंदे। पूजा, छिछोरा ना हूं मैं, छिछोरा बोल के मेरी इंसल्ट ना करे, मैं तो पागल हूँ, पागल पागल प्रेमी। पागल प्रेमी के मतलब? अरे मेरी भोली भाली कबूतरी, अपने अकल का दरवाजा खोल दे और मुझे आई लव यू बोल दे, कसम हीर रांझे की मैं तेरे से बहुत प्यार करूं। आए पिंकी, यो मनु तो तेरी गेला लव स्टोरी चालू करने की कोशिश करने लाग रहा है, तू बता दे तेरा के विचार है, तू इस गेला सेटिंग करेगी और किसके मुंह पर रेपटे बजाओगी? सेटिंग तो मैं इससे जरूर करूंगी, पर पहले मैं थोड़ा मजा चखाऊंगी। अरे तू मुझे कुत्ते की ढाल क्यों पीट रही? मैं तो तेरे से प्यार करूं, प्यार। बेईमान, जब तू मने प्यार करे था तने इतने टाइम क्यों लगा दिया इजहार करने में? मैं इसलिए अपना गुस्सा उतारी तेरे पे। इसका मतलब क्लियर हो गया, अब तू मेरे से प्यार करे फिर तो कोई दिक्कत नहीं, मार मेरे, मार। अरे मार मार या मार या मार 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 या। एले भाई, मिलगी से खुराक, इसने अच्छी छोरी पटाई, छोरी ने कर दी इसकी कुटाई, इसे तो चल के बचाना पड़ेगा भाई। मार मार मार, रुक जा रुक जा। पिंकी मैडम, इस बेचारे को तू माफ कर दे, यू आज के बाद तेरे पर लाइन नहीं मारेगा, यू आज से तुझे अपनी बहन मानेगा, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। अरे ओ गारंटर के चोदे, इभी तो मेरे प्यार की गड्डी स्टार्ट भी ना हुई, तू पहले ही बांड बना के उसमें पिंचर कर रहा, तू मेरे तो चले क्यों, तू भी बागपत कर मैं भी बागपत का। अच्छा तो इसका मतलब तेरा मामला सेट होगा, पर मुझे नू बता, जब तेरा मामला सेट होगा था तो ये पिंकी तेरी धुलाई क्यों कर रही थी? माय डियर फ्रेंड, प्यार करने वालों को ये पिटाई के छोटे मोटे इम्तिहान तक गुजरना पड़े, पर यह बात तेरी समझ में नहीं आने की, पर यह बात तेरी समझ में जीप आओगी जीप तजा किसी तक प्यार हो जाएगा। चल इम्तिहान खराब कर रहा, आजा स्टडी करेंगे। अरे एक आध सुट्टा मने भी दे दे, तू इच्छा से जागा इसने। बिरजू बिरजू उस्ताद, मने एक बात बता, हम पढ़ते लिखते तो है नहीं, कॉलेज में हमें मौज मस्ती करना है, घर को चलते से, और जो हम फेल हो गए तो कॉलेज में हमारी बेइज्जती नहीं हो जाएगी? बेटे रंगीले, कॉलेज में कुकर बेइज्जती हो जाएगी, ये चौधरी धर्म सिंह नंबरदार का कॉलेज है और मैं उसका एक लौता वारिस, हमने कौन फेल कर सका, साड़ी ने सस्पेंड न करा दू। सही कट्टे की बात कही बॉस ने, हमें तो कॉलेज का डिंग भी फेल नहीं कर सकता। रब्बा उड़ो, इस कॉलेज में मेरे नाका सिक्का चल रहा था, सिक्का और बिगड़ पड़े हम तो बढ़िया नंबर तो पास हो जाएंगे, पास। अरे ओ याना, यहाँ सुन रहे, मेरी सासू को न्यू कह रहे हो? हाँ जी, तुम्हें बड़े छोटे के लिए आज सहनी कुछ, तुमने न्यू नहीं बेरा यहाँ बिरजू लंबरदार खड़ा। तुम दोनों खगड़, बिरजू बोस के पैर छुए बिना जा रहे सो, चलो पैर छुओ बोस के, आशीर्वाद लेकर जब जाइए पढ़ने। अरे क्यों उन लोगों डाल लगा बस है, जो तने काम बताया पूरा क्यों नहीं करता? एक बात सुन लेना भाई, यदि चैन सुकून से तुम्हें इस कॉलेज में पढ़ना से तो दिन में एक बार तो बिरजू बोस के पांव छूने पड़ेंगे। यार लंबू, हम कॉलेज में पढ़ाई करना है, झगड़ा करना तो आए नहीं, तो इनकी बात मान लेते हैं। ठीक से इनके पैर छू लेते हैं। जाओ,
बिरजू बोस, कॉलेज के सारे स्टूडेंट तेरी इज्जत करे से, पर वह पूजा तेरी इज्जत नहीं करती, तू उसके पेस्ट टाइज क्यों नहीं करता? रबावली पूछ, वह जानने मन से मेरी मना जीता प्यारी लग गया वा, इस मार तो मैंने छूट दे रखी उसते, ना तो बोले उसकी आंट लिगाड़ देता। हीरो लेकर कहाँ जा रहा है? क्लास में जा रहा हूँ, और कहाँ जाता? क्लास में जाने से पहले हर स्टूडेंट बिरजू नंबरदार के पैर छू के जावे से। हाँ पैर छू मेरे। हाँ भाई मनोज उर्फ मन्नू, जो यू बिरजू कह रहा है यू काम करना पड़ेगा। सुन भाई प्रेम, तू आया कॉलेज में नवा, और ऊपर तो मेरे बागपत जिले का रहने वाला, मैं तुझे बता रहा जो बिरजू है ना यू दबंग बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, यू सारा कॉलेज में उले थोड़े काम करता रहे। तो भाई हदाय सी में इसके पांच छूले और निकड़ ले, नहीं तो पढ़ाई में मुश्किल पैदा कर देगा तेरी यू। अच्छा रे, इतना बड़ा मामला है इसका, ये तो इसके पैर भाई छूने पड़ेंगे। चलो छू लेते हैं, पैर छूने में के जा रहा, ले पकड़िए मेरी किताब। सॉरी भैया, सॉरी सॉरी। अरे बिरजू भैया तो गिर गए भाई, बिरजू भैया सॉरी। वैसे तुम गिर क्यों गए? तारे शरीर में दम ना आगे, दूध दही खाए करो और सेहत बनाए करो, शरीर में ताकत पैदा कर ले ना। कोई किसी दिन मेरे जैसा भिड़ गया ना तो तेरा नींबू सा निचोड़ दे होगा। मुना चूतिया मान रहा के यार कतना जान बूझ गया करीस है, इसकी कीमत तना चुकानी पड़ेगी। बिरजू बोस, इसने तो तेरी तगड़े वाली बेइज्जती कर दी, इसके मुक्का मार के इसके दांत क्यों नहीं तोड़ देता यूपी वाले के? बॉस यो मनोज का बच्चा से ना, इसकी भी नाक पर मुक्का मार के इसकी नक्सली छुटा दो। बिरजू भाई मैं तो थारा काला बिजार हूँ, ऊपर तक चार दिन तक बीमार हूँ, तब माफी लड़ाई में मेरे को नुकसान करो भाई, मुझे तो माफ करो। अरे यार मनोज, तू भी इन कान खजूरों से डर रहा, तू चिंता मत करे, इन साड़ों को मैं अकेला देख लूंगा। यूपी वाले बिरजू नंबरदार सु मैं, मन्ने जानता नहीं तेरी जिंदगी ना झंड कर दूंगा। अरे ये गिद्दड़ धमकी किसी और को दिए, मैं तेरे इन डायलॉगों से डरने वाला ना हूँ। अरे बात सुन, मैं पढ़ाई करने आया हूँ, लड़ाई करने ना हूँ, ना थारे जैसों का यहाँ एक मिनट में बन्नू उठा दूंगा। चल भाई मनोज। अरे भैया इतना पैसा नहीं बचता बट्टे बट्टे में, जो तुम हर बहने आ जाओ, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। अच्छा रुक जाए भी, नंबरदार जी को फोन मिला लूं। मिला ले तू जिसे मिलाना, पैसा नहीं मेरे पास। हेलो चौधरी साहब। हाँ चंद्र बोल, के बात से? बट्टे वाला पीछे देने में अन्ना कर नहीं कर रहा हूँ, ये करना है इसका मन्ने नु लग गए। जो साला बट्टे वाला अपनी औकात और मेरा नाम भूल गया दिखा, धर्मवीर सिंह लंबरदार का, इसने तकड़ी सी खुराक दे और नाम याद दुआ मेरा। बस मैं अपना आप देख लूँ, मैं जाओ मने बड़े जा गाड़ी की चाबी देना, दोस्तों के साथ घूमने जाना सा है। ले बेटे घूमने तो चले जा, पर मैं कहूँ था खाना तैयार है, खाना खा के जाइए। पिताजी खाना तो तुम ही खाओ, मैं तो सुखदेव के परांठे खा खाऊंगा। शाबाश जियो मेरे शेर। हाँ चंद्र बोल। चौधरी साहब वो दे दी मन्ना खुराक उसे, पीछे दे दिए उसने। हाँ पीछे पीछे ले लिए उसे, हॉस्पिटल ले जाने लग रहे। काम तो अच्छे से कर दिया उसका पूरा। काम पूरा जी सर। यार पूजा, जब से मुझे मन्नू ने आई लव यू बोला ना, बेरा ना यार मेरा किसी काम में मन ही नहीं लगता, पता ना के जादू कर दिया। यो प्यार का जादू है मेरी लाडो, अरे यो सिर पर चढ़ के बोल लिया करे, ख्याल राखी अपना, कदे तू बावली ना हो जा। हर पल हर घड़ी दिल में गुदगुदी सी होवे से। सच बताऊं पूजा, तू भी अपने दिल की किसी छोरे से अदला बदली कर ले, कसम तै तेरी लाइफ भी रंगीन हो जावेगी।
है एक बाका छोरा मारे कॉलेज में, जिसने देखते मेरे दिल की धड़कन तेज हो जा है, पर उसने इब लग अपने प्यार का इजहार ना करा। अरे कौन से वो छुपा रुस्तम, मन ने भी बता दे उसका नाम, जिस पे घर बैठी तू दिल कुर्बान। ना ना इब्बे ना बताऊं, सही समय आन दे फिर बताऊंगी। अरे तू चल कॉलेज में, देर हो लग रही है। अरे क्या हो गया, पिंचर होगा अब, पेट्रोल खत्म हो गया। अरे भाई ना इसमें पिंचर होया ना इसका पेट्रोल खत्म होया, ये दोनों लड़की इतनी गर्मी में पैदल चल के कॉलेज जा रही हैं और हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। भाई ये बात मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, मैं तो इन दोनों को बाइक पे बैठा के लेके चलूंगा। अरे वाह मेरे यार, तन्ने तो मेरे मन की बात कह दी, मेरी पिंकी इस धूप में चल चल कर काली कलुट्टी हो जाएगी, पर मैं से काली कलुट्टी होने नहीं दूं। आ पिंकी मेरे पीछे बैठ, मेरी कोली भर ले, कभी तू गेंद की डाल उछल के गिर पड़े। मेरी इतनी चिंता करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। देखा प्रेम, मनोज पिंकी की कितनी चिंता कर रहा है। अरे मैं मेरी कोई चिंता ही नहीं करता, और ना मेरे किसी ने बाइक पे बिठान की कही। अरे पूजा मैडम नाराज क्यों हो रही है, मैंने तुम दोनों को बैठाने के लिए तो बाइक रोकी है, आओ बैठो बाइक पे। चल रहा काड़ू नीचे उतर। अरे मैं क्यों उतरू नीचे, मैं तेरे पक्के वाला यार नहीं। अरे काड़ू के बच्चे, जब तू सीट खाली करेगा जबी तो ये दोनों बैठेंगे, अब उतर रहा नीचे या कोहनी मार के नीचे गेरू। तू मेरा दोस्त नहीं, तू मेरा पक्का दुश्मन है, मैं समझ गया, तू मुझे नीचे उतार के मानना का। थारी दोस्ती बिना सुत्ती है, हर समय तो तू तू मैं करते रहो हूँ, और फिर भी इतने बेस्ट फ्रेंड हो। मारी यारी जान से भी प्यारी है मैडम, हम यूपी वाले जिसे अपने दिल में एक बार बसा ले ना, उसका मरते दम तक भी साथ ना छोड़ते। शायद तने मारे हरियाणा वाला के बारे में जानकारी कोनी, हम यार और प्यार खातर जान देने ते भी कोना चुकते। एक यूपी वाले छोरे ते मन प्यार हो गया, मन प्यार हो गया। एक यूपी वाले छोरे ते मन प्यार हो गया। इबी तो दोनों पटर पटर बोले थे, फिर ये अचानक साइलेंट मोड पर कैसे पहुंच गए। मुझे तो ऐसा लगा इनकी बेटी डॉन होगी दिखे। ए पूजा कौन से ग्रह में पहुंच गई, कॉलेज ना जाना के देर हो रही, चल जल्दी बैठ जा बाइक पे। हाँ चल बैठ। अग कु तो ले, अरे इसमें तो जंगाई ना बची, मैं कहाँ बैठू। अरे तू बैटरी रिक्शा में आ जाए, 10 रुपए दे के। अरे यू बढ़िया ना कर रहा तू, गलत बात है तेरी या बढ़िया बात ना तेरी। चाचा राम राम। राम राम जी, राम राम, आओ बैठो। मैनू कहना चाह रहा जी, एक बढ़िया सी डोली पॉप है के जी। आओ ये बढ़िया मिलेगी। क्या पैसे की है जी? 2 रुपए की है भाई। एक दे दो। लो जी 10 का नोट। ₹8 तो भाई खुले हुए नहीं है। खुले नहीं है तो एक काम करो, ₹8 का मैं फिर कभी सामान ले लूंगा। ले लिया जी, ये आप ही दे लीजिए। तो और बढ़िया रहा जी। देखो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, IAS IPS की पढ़ाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है पढ़ाई कर उसका एग्जाम पास करना, समझे? सर जी इस बात का तो हर एक को पता है, आप हमें कोई ऐसा गुरु मंत्र दो जिसे यूज करके हम सब अपना एग्जाम आसानी से पास कर ले। प्रेम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आज तो आप हमने कोई जादू मंत्र दे ही दो। अरे पूजा मन लाग गया तेरी खोपड़ी में दिमाग को नहीं। अरे बावड़ी, जो गुरु जी के पास में ऐसा गुरु मंत्र होंदा तो ये एग्जाम पास करके खुद ना कलेक्टर बन जाते।
ए चुप नालायक, ज्यादा बकवास करेगा तो नंबरदार जी से शिकायत कर दूंगा। अजी मेरे पापा तो खुद ही आठवीं फेल से, आप जैसे पढ़े लिखोगे उनकी बात समझ में कोई नहीं आती। अरे भाई तू अमीर बाप का एकलौता बेटा है ना, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू मेरी क्लास में चुपचाप बैठा रहे कर। मैं आई कम इन सर। कम इन इन, अब इन तो हो ही गया, अब क्या मेरे सिर पे बैठेगा? जा सीट पे बैठ जा। हाँ वे कलेक्टर साहब, तू ये बता आज इतना लेट क्यों आया? अजी के बताऊं सर जी, मैं तो एक घंटा पहले आ लगता, पर के करूं जी, मेरे एक जिगरी यार ने मुझे धोखा दे दिया, मुझे बीच रास्ते में बाइक पे उतार के किसी और को लेके आ गया। इब आप ही बताओ सर जी, 4.5 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ, मेरे शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं बचा जिसमें तो पसीना ना निकला हो। कलेक्टर की पढ़ाई करने के लिए लोहे के चने जमाने पड़ते हैं, और तू इतनी मेहनत से घबरा गया? अजी मैं मेहनत तो ना घबरा रहा, मैं तो अपने जिगरी यार की गद्दारी तक दुखी हूँ जी। मैं तो असारा इस गद्दार यार को गैस के गुब्बारे में बैठा के और मंगल ग्रह की डबकू भेज दूं। अरे आजा मेरे यार बैठ जा, पहले पढ़ाई कर ले, नाराजगी बाद में दिखा लिए। मैं आज तुम लोगों को कलेक्टर की पढ़ाई के साथ साथ एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ, पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी सामान्य नॉलेज भी बढ़ानी पड़ेगी, समझे? या है लॉलीपॉप, एक काम करिए अपने घरु जाके कमरे में बढ़ के दरवाजा बंद करके बिल्कुल एकांत में बैठ के इसे आराम से चूसिए, खूब मजा आवेगा। बड़ी कीमती चीज लेकर आया तू, जो इसे अकेले में बैठ के मैं बंद कोठे में चूसूंगी, जैसी तेरी सिकल ऐसी तेरी चीज, तू ही चूस लिया इसे। फ्रेंड्स आप सबको पता है कि कल कौन सा दिन है? हाँ पता है, कल बुधवार से। अरे बुध का दिन तो बहुत शुद्ध हो, बुध के दिन कभी युद्ध नहीं करना चाहता, नहीं तो सारे काम विरुद्ध हो जा। रे इडियट, मैंने तेरे ते बुध की डेफिनेशन ना पूछी, मैंने तो कुछ और पूछा है। क्या गोड़ गोड़ के घुमावे से, सीधी सीधी बोले ना, के चावे से? कल 5 सितंबर है, यानी कि टीचर्स डे, यानी शिक्षक दिवस। चल हम मान गए कल शिक्षक दिवस है, पर तूनू बता तू कहना के चाह रही? मैं नू चाहूं हूं कि कल आपा टीचर्स डे मनावे, एक रंगारंग प्रोग्राम करे और अपने टीचर्स का मान सम्मान बढ़ावे, तो बताओ कैसा रहूगा? और मजा ही नहीं आ जाएगा? यो प्रोग्राम करने में रुपए भी तो खर्च होवेंगे, वो किससे आवेंगे? पूजा रानी, जब प्रोग्राम आपा करेंगे तो रुपये का इंतजाम भी आपा ही करेंगे ना, आपा सारे जने चंदा इकट्ठा करेंगे और प्रोग्राम में दुम्मा उठा देंगे। भाई पूजा तेरा ये आइडिया मुझे बहुत बढ़िया लगा, ले इस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले चंदा मैं दे रहा हूं, ले 500 रुपए। तू इस कॉलेज की रौनक है पूजा, तू जो भी काम करे ना कसम से मुझे बहुत बढ़िया लगे, मैं तुझे सलूट करता हूँ। जब तू पूजा को सलूट कर सके, मैं भी तो उसकी सहेली को सलूट कर सकूं। पिंकी सलूट। बिरजू बॉस, यू के खिचड़ी पकड़ी से हमारे कॉलेज में यूपी के ये दोनों जमूरे इन कबूतरों पे लैन मार रहे से, और हम उल्लू की तरह देखने लाग रहे। जो रंगीला ठीक कह रहा है बॉस, ये यूपी वाले हमारे हरियाणा के माल पे हाथ साफ करना चाह रहे। बिरजू नंबरदार सु, मैं यूपी वालों की चाल कदा कामयाब नहीं होने देने का। अरे थम के कुसर पुसर कर रहे हो, चलो चंदे के पीछे निकालो। ले
मेरी तरफ से भी 500 का ले। चल बिरजू तू भी निकाल। टीचर्स डे के प्रोग्राम में जो तू सपना चौधरी की डाला तुम कल आगे दिखा देना तो सारा खर्चा मैं उठ लूं। बिरजू बिरजू मेरा हाथ छोड़, के बदतमीजी है यार। बिरजू अपनी मर्जी से हाथ पकड़ा तो अपनी मर्जी से छोड़ दे। साले बिरजू प्रेम प्रेम छोड़, इसने साले छोड़ दे जान से मार दूँगा। मेरे समय इसकी हिम्मत क्या जो कि पूजा का हाथ पकड़ने की, आज मैं इसकी साड़ी की सारी गर्मी दिखाऊंगा। जान से मार दूँगा। अरे प्रेम तुझे पता ना इसका पप्पू बहुत बड़ा बदमाश है। प्रेम तेरे मेरी कसम है छोड़ दे इसने, प्लीज प्लीज छोड़ दे इसने। पूजा आज तने इसकी जान बचा ली ना, इस साड़ी की आज मैं आरती उठवा देता। फिर जो नंबरदार नाम से मेरा यूपी आले, इस बेइज्जती की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तन्ने। साढ़े एक मिनट से पहले चला जा ना तो तेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दूँगा। अरे मेरे सुपर हीरो तेरे दिमाग में तो बहुत गर्मी फंस रही, आ कैंटीन में तेरा ठंडा पियम्मा आ। छोरे ते मन प्यार हो गया, मन चाल मेरी जाने तने भी ठंडा पिया लूं। एक यूपी आड़े छोरे ते मन प्यार हो गया। अरे मेरे यार तू यहाँ बैठा, मैं कैंटीन में ढूंढ रहा था, मैं तो ठंडा पिया आया, जो तू कहता मैं तेरे लिए ठंडा यहीं ले आऊं। अरे यार मुझे ना बिना ठंडा वंडा, तू थोड़ी देर चुप बैठ जा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। भाई वो काम तो बढ़िया हो गया जो तने ठंडा पीने को ना कर दी। अरे मेरे 20 रुपए खर्च होने तक बच गए। यार एक बात तो बता, ऊ तो इतने शांत स्वभाव का है पर आज अचानक तेरे कसीमिर की उठ गई जो तने छोटी सी बात पे बिरजू का टैटवा दबा दिया। यार उस लफंगे की मेरे सामने पूजा का हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे होगी, मेरे से उसकी बदतमीजी बर्दाश्त न हुई। जो पूजा अपनी कसम ना देती ना मैं आज इस साले बिरजू को जान से मार देता। क्यों भाई पूजा तेरी रिश्तेदार लगा है जो तन्ने उसकी खतर इतने खतरनाक आदमी का पंगा ले लिया, तुझे पता उसका बापू कितना खतरनाक आदमी है। यार पूजा का मेरा इस जन्म का कोई रिश्ता तो है नहीं पर जब वो मेरे सामने आवे ना उसकी मिठी मिठी मुस्कान देख के मेरे दिल में कुछ कुछ हो जावे, ऐसा लगे उसका और मेरा पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। यार तेरे दिल की हालत देख के तो मजा सा लगे, तो जब पूजे तो प्यार होगा दिखे। अरे यार बताता क्यों नहीं, बताने बता अक्त जब पूजे तो प्यार हो गया। हाँ यार मुझे पूजा से प्यार हो गया।